तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा फंक्शन ऑफ ब्लड। कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ब्लड। अब सबसे पहली चीज है कि हम जब फंक्शन ऑफ द ब्लड लेंगे तो हम उसी सीक्वेंस में लेंगे बेटा जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने ब्लड का पढ़ा था, है ना, अबाउट ब्लड। तो सबसे पहले हमने ब्लड का जो स्टडी करी थी वो प्लाज्मा करी थी। तो सबसे फर्स्ट जैसे प्लाज्मा का किया था तो प्लाज्मा के अकॉर्डिंग हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। हमने देखा था कि जो प्लाज्मा होता है, हमने कहा था कि प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट ऑलमोस्ट सेम सेम होते हैं, 45% होता है, 55% होता है। और फिर प्लाज्मा में भी ये बताया था कि 90% ऑफ द प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ वॉटर। अब बेटा पानी का क्या काम है, तो वॉटर जो होता है वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को लेके चलता है, डिजॉल्व गैसेस को लेके चलता है ना। मैंने पहले भी बताया था वाटर के अंदर 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है बेटा और 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है। इसके अलावा हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजी सबको पता है बेटा, जिसको हम कहते हैं होमोथर्मल या जिसे हम कह सकते हैं वार्म ब्लडेड, ये हमें पता है। वार्म ब्लडेड या होमोथर्मल एनिमल्स आर दोज एनिमल हूज बॉडी टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। सराउंडिंग का कुछ भी टेम्परेचर हो उनका बॉडी टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट रहता है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है वार्म ब्लडेड या होमोथर्मल। तो हम लोग वार्म ब्लडेड है या हम लोग होमोथर्मल है, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम भी किसका है बेटा, ब्लड का। जैसे कैसे, मान लो मैंने ऐसे 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 कर ये, आप भी करोगे तो आपके यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, एकदम से आपको हीट लगेगी। अब यहाँ पे जो हीट है ना बेटा, बेटा उस हीट को बॉडी, जब आप सर्दियों में, अभी तो गर्मी है, सर्दियों में अपन को ठंड लगती है तो हम ये ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते कि गर्मी आ जाए। तो वो क्या करते हैं, जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ब्लड उस हीट एनर्जी को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो जब पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो यहाँ से हीट को कम करके बाकी पार्ट्स में, तो यानी बॉडी में हीट का प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कॉज करता है कौन बेटा, ब्लड। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखूंगी ब्लड का मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। अब इसके अंदर आपको क्या लिखना है, लिखो बेटा इन होमोथर्मल एनिमल्स, इन होमोथर्मल, होमोथर्मल एनिमल्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रिमेन कॉन्स्टेंट, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी remain constant because the blood distribute the heat, distribute the heat evenly. So ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिकॉज के बाद इसके बाद बेटा बिकॉज बिकॉज ब्लड डिस्ट्रीब्यूट द हीट इक्वली, सो ब्लड एक्ट एज अ, सो ब्लड एक्ट एज अ, एज ए थर्मो रेगुलेटर, टी एच ई आर एम ओ आर ई जी यू एल ए टी ओ आर, थर्मो रेगुलेटर। ओके, ये तो हो गया बेटा फर्स्ट पॉइंट। अब आता है सेकंड पॉइंट। हमने उसमें पढ़ा था कि प्लाज्मा में ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होता है ना, ग्लोब्यूलिन पढ़ा था, एल्ब्यूमिन पढ़ा था और हिपेरिन पढ़ा था।
तो नेचुरली ग्लोब्यूलिन, तो ग्लोब्यूलिन के हिसाब से, और मैंने बताया था ग्लोब्यूलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, तो हम सिंपली क्या कहेंगे, इम्यूनिटी। अब वो केवल प्लाज्मा अकेला नहीं करवाता है बेटा, डब्ल्यूबीसीज में भी हमने पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसीज में जो बी लिम्फोसाइट्स होती है वो एंटीबॉडीज बनाती है, यानी लिम्फोसाइट्स जो होती है वो एंटीबॉडीज बनाती है। इसके अलावा हमने कहा था कि जो मोनोसाइट्स है वो फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक मतलब ईट देम अप, खाने का, तो वो भी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। कहने का मतलब ये है कि हमारा ओवरऑल ब्लड जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है बेटा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो हेडिंग डालो इम्यूनिटी और उसमें हम लिखेंगे बेटा द लिम्फोसाइट प्रोवाइड अस इम्यूनिटी, प्रोवाइड अस इम्यूनिटी against the pathogen, against the pathogen by synthesizing, by synthesizing 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 antibodies, by synthesizing antibodies and by phagocytosis, phagocytosis, by phagocytosis। तो ये हो गया बेटा इम्यूनिटी का। थर्ड वर्क होता है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड लिखो बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें लिखो बेटा द आरबीसीज एंड प्लाज्मा, द आरबीसीज, आरबीसी में आर बी सी अपोस्ट्रोफी एस, आरबीसीज एंड प्लाज्मा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। फोर्थ फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स, एच ओ आर एम ओ एन ई एस हॉर्मोन्स। इसमें लिखो बेटा एज हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम, as hormones are released from endocrine glands, so they are repeat करने the hormones are released from endocrine glands, so They are transported, TRANSPORTED, transported to the target organ, transported to the target organ through blood, THROUGH, 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 through blood। नेक्स्ट आता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट,
transportation of excretory waste. excretory, excretory waste. इसमें लिखो बेटा the metabolic waste. The metabolic waste are transported. The metabolic waste are transported to the excretory organ via blood. Via, V-I-A. Via का मतलब होता है through. जैसे हम कहते हैं ना दिल्ली टू जयपुर बस जा रही है वाया रिवाड़ी, यानी रिवाड़ी से होते हुए जाएगी. अगर वो बाईपास से निकल गई तो वाया रिवाड़ी वर्ड नहीं आएगा. अगर वो रिवाड़ी के अंदर से होके जा रही है तो वाया रिवाड़ी, यानी कि थ्रू. तो वो ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है. नेक्स्ट आता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. Transportation of digested food, D-I-G-E-S-T-E-D, digested food. इसमें लिखो बेटा, the food digested in the small intestine get absorbed. रिपीट करना. द फूड डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन गेट एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी via blood. ठीक है, ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है. नेक्स्ट सेवन इंपॉर्टेंट मैम. हाँ बेटा मैम, पार्ट ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा क्लॉटिंग. CLOTTING क्लॉटिंग. इसमें लिखो बेटा द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अकर इफ देयर इज अ कट. Occur in the body, occur in the blood vessel. Occur in the blood vessel to prevent the leakage. ये बेटा हो गए हमारे ब्लड के टोटल ऑलमोस्ट सारे फंक्शन हो गए बेटा. हमें एक बार फिर से बोलना टू प्रिवेंट द लीकेज. क्या कहाँ से बोलना है बच्चे? कट के बाद. अच्छा, कट अकर इन द ब्लड वेसल एंड प्रिवेंट द लीकेज. ठीक है, तो बेटा ये अपना हो गया फंक्शन ऑफ ब्लड. अब हमारा कनेक्टिव टिश्यू का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया. हमने कनेक्टिव टिश्यू में करे थे बेटा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर या लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू. तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने करा था बच्चा बोन, कार्टिलेज और ब्लड. तो ये तीनों कंप्लीट हो गए हैं. नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टिश्यू प्रेजेंट इन द एनिमल बॉडी.
हमारे बॉडी में जो और टिश्यू प्रेजेंट है मैम वो कैल्सिफाइड का वो करवा दूंगा बेटा सबसे लास्ट में बताऊंगी। अब हमारे पहला हमने एपिथेलियल टिश्यू कर चुके हैं बेटा, सेकंड हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कर चुके हैं, अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। ओके तो नेक्स्ट इज द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू और द मसल्स, सिंपल सी चीज है बेटा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी पूरी ही किससे बनी हुई है, मसल्स की। हमारे अंदर जो लोकोमोशन और मूवमेंट होता है दैट इज अकर ड्यू टू द मसल्स। अब खाली मसल्स में नहीं कर रही है, पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकोमोशन एंड मूवमेंट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या किसी को पता है बच्चे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकोमोशन एंड मूवमेंट? हाँ बच्चे जिसको पता है वो प्लीज बोलो मुझे, बताओ। नो बड़े बोलो, शाबाश पारस। मैम लोकोमोशन चारों ओर घूमता है मैम, और मैम और सिंपल मोशन मैम कुछ सिंपल डिग्री तक ही घूमता है। अच्छा नहीं मैं मूवमेंट पूछ रही हूँ, अंदर जैसे मैम बाल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे और बाल एंड सॉकेट जॉइंट इज एग्जांपल ऑफ लोकोमोशन। अच्छा और मूवमेंट का एंड मैम और मैम मैम चलो मैं बताती हूँ, वेरी गुड, वैसे आपने कोशिश करी इट इज गुड। अब म्यूट कर लो अपने आप को, मैं आपको बताती हूँ बेटा। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम लोगों के आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्सिस चलती है, रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन आपके एलिमेंट्री कैनाल में यानी गट में। हम कहते थे ना जब बहुत भूख लगती है तो एक कहावत है चूहे दौड़ रहे हैं, चूहे नहीं दौड़ रहे हैं, वो एक्चुअली हमारा जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पेरिस्टाल्सिस कर रही है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि समथिंग इज मूविंग इनसाइड। मैं अपना ये हाथ ऐसे से हिला रही हूँ, मेरा बोलते टाइम लोअर जॉ हिल रहा है, अपर नहीं हिलता बेटा, लोअर जॉ हिल रहा है। ये सारे मूवमेंट, ये सारी चीजें हुई मूवमेंट, ये सारी क्या हुई मूवमेंट, यानी मैं बॉडी वहीं पे खड़ी है एंड ऑल द थिंग्स आर मूविंग। ये मेरी फिंगर्स, ये मूवमेंट हो रही है फिंगर्स में, लोकोमोशन नहीं हो रहा। लोकोमोशन क्या है कि मैं यहाँ हूं और यहां से चल के मैं दूसरी जगह तक गई, ये एक जगह से दूसरी जगह तक जब पूरी बॉडी का चला जाना होता है दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। गॉट इट बेटा? व्हेन द होल ऑफ द ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। एंड इफ आई एम स्टैंडिंग एंड टॉकिंग टू यू, माई लोअर जॉ इज मूविंग, है ना, मेरे अंदर हार्ट का मूवमेंट हो रहा है, हार्ट लगातार बीट कर रहा है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्सिस चल रही है, ये सारी होती है मूवमेंट। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन बट दे शो मूवमेंट, उनके अंदर मूवमेंट होता है, प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता। आपने थिग्मोनेस्टी, थिग्मोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट्स पढ़े हैं, याद है 10th का कुछ, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट, थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट, जियोट्रॉफिक मूवमेंट, वो मूवमेंट है, पूरा प्लांट उठ के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा। तो खैर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी में इन दोनों चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, दैट इज फॉर द लोकोमोशन एज वेल एज फॉर द मूवमेंट, है ना। तो अब हम देखेंगे कि मसल्स हमारी बॉडी में होती कितने टाइप की है। 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो, क्योंकि मैडम आप 10th का नहीं याद रहता, आप सारे टाइम 9th में ये पढ़ चुके हो, 8th में ये पढ़ चुके हो। बेटा जब 12th में आ जाओगे ना तब तक भी मैं यही बोलती रहूंगी, तब ये पढ़ा था तब ये पढ़ा था। वो तो अच्छा है कि मुझे केजी का कुछ याद नहीं है, नहीं तो मैं कह दूं केजी में भी पढ़ा था, किसी दिन पता चले कि बोलू चलो क ख ग सुनाओ पूरी, केजी में पढ़ के आए हो इतने दिन पहले। खैर तो हम लोग मस्क्यूलर टिश्यू अगर लेते हैं बेटा तो मैं उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ, बिकॉज इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज।
और वो थ्री कैटेगरीज क्या क्या है बेटा? सबसे फर्स्ट टिश्यू जो होता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेड मसल्स. फर्स्ट इज द स्ट्रेटेड मसल्स. सेकेंड इज कॉल्ड एज अनस्ट्रेटेड मसल्स. एंड थर्ड इज कॉल्ड एज कार्डियक. इसका एक्सप्लेनेशन हमारी बुक में इस वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा नहीं है. यूजुअली पहले मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करवा देती थी. अब हमारा ये इससे रिलेटेड जो चैप्टर है लोकोमोशन वाला, वो वाला पार्ट थोड़ा डिलीट हो गया है, तो इसलिए अब मैं इसका बहुत डिटेल में नहीं लूंगी, सिंपल ही लूंगी. और अगर अपन को टाइम मिला बाद में सिलेबस पूरा होने के बाद में, तो जो चैप्टर डिलीट हुए हैं उनको भी मैं करवा दूंगी, जिससे कि अपन की नॉलेज एनहांस हो जाए. तो सबसे फर्स्ट चीज होता है स्ट्रेटेड मसल्स का दूसरा नाम और भी है. और स्ट्रेटेड मसल्स का दूसरा नाम जो होता है बेटा वो कहलाती है वॉलंटरी मसल्स. इन्हें और क्या कहा जाता है? वॉलंटरी मसल्स. वॉलंटरी मसल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज डिपेंड ऑन आवर विल. हमारी विल पे है. हम कहते हैं ना कौन कौन वॉलंटियर्स बनना चाहता है. जब स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो उसमें वॉलंटियर्स बुलाए जाते हैं. वॉलंटियर्स वो होते हैं जो अपनी मर्जी से कहे कि हाँ मैडम मेरे को आप ये काम दे दो, मैं ये काम करने के लिए तैयार हो जाऊँ, उसे कहा जाता है वॉलंटियर. यानी जो अपनी इच्छा से अपनी विल से. तो इन मसल्स को वॉलंटियर मसल्स इसलिए, वॉलंटरी मसल्स इसलिए कहते हैं बिकॉज इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारी विल पे डिपेंड करता है. अगर मैं नहीं बोलना चाहूं मैं नहीं बोल रही, क्यों? क्योंकि ये मेरी इच्छा है. मेरी इच्छा है बोलने की तो मैं बोलूंगी, मेरी इच्छा नहीं है. ये होता है ना, तुम्हारी इच्छा होती है बोलने की और टीचर कह देती है कीप क्वाइट क्लास में, बातें नहीं करो. ठीक है, टीचर जरा सा बोर्ड की तरफ मुड़ी नहीं, सारी बातें निपटा दी. करते हैं बेटा, क्योंकि हमारी इच्छा है बोलने की. टीचर कहिए सिट प्रॉपरली, पीछे पीछे नहीं मुड़ो, कोई इधर से उधर नहीं. लेकिन जरा सा टीचर ने कुछ करा ऐसे कौन ही मारते, पैर मारेंगे नीचे से, या किसी के पीछे बैठी है अपनी इच्छा से वो आगे वाली लड़की की चोटियां बनाने लग जाती है. ये सारी हमारी इच्छा है इसलिए हम कर रहे हैं. तो ये मसल्स हमारे विल पर डिपेंड करती है, इसके कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्ट्रेटेड मसल. अनस्ट्रेटेड मसल जो होती है दैट इज कॉल्ड एन इनवॉलंटरी. इनवॉलेंट्री मसल्स इसलिए कहलाती है बिकॉज इनका मूवमेंट जो होता है वो हमारी विल पर डिपेंड नहीं करता. हम चाहें या नहीं चाहें इनके अंदर मूवमेंट होगा ही होगा. अब वो कौन सा है? आप चाहो या नहीं चाहो आपकी ब्रीदिंग होगी ही होगी. आप कितनी देर तक रोकोगे? भाई मैं कहूँ कि आप ब्रीद मत करो, आप ज्यादा से ज्यादा 20 सेकेंड्स तक रोक लोगे. आज रोक के देखना बेटा कि कितनी देर तक आप अपनी ब्रीदिंग को रोक सकते हो. घड़ी में टाइम देखना और गहरी सांस लेना और उसके बाद स्टैंड स्टिल हो जाना. देखना थोड़ी देर बाद अपने आप ही आप एक एक्सहेल आउट करोगे, गहरी सांस बाहर निकालोगे. तो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ऐसी मसल्स है जो हमारी विल पर डिपेंड नहीं कर रही. ऐसे हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है, पेरिस्टाल्सिस करती रहती है, वो हमारी विल पर डिपेंड नहीं करती. तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इनवॉलेंट्री मसल्स. के ये कार्डियक मसल्स आर आल्सो इनवॉलेंट्री इन नेचर, लेकिन इसका और कोई नाम नहीं है. इन मसल्स के बहुत सारे नाम है. इसको हर हालत में कार्डियक ही कहते हैं क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन द हार्ट ओनली. हमारा जो हार्ट होता है, दिल होता है, ये मसल्स केवल उसमें प्रेजेंट होती है, इसलिए ये केवल वही कहता है.
अब इन मसल्स का, स्टेटेड मसल्स का एक और नाम है, और दूसरा नाम क्या है बेटा? स्क्राइब्ड मसल्स। ओके, क्या कहलाती है ये? स्क्राइब्ड मसल्स। इनवॉलंटरी का एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड ए स्मूथ मसल्स। ओके, व्हाट इट इज कॉल्ड ए स्मूथ मसल्स। अब कार्डियक मसल्स विल बी नोन एज कार्डियक मसल्स ओनली, इनको इसी तरह से कहा जाता है। अब सिंपली बात यह आती है कि व्हाई दे आर कॉल्ड सो, क्योंकि अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो मुझे इसके डायग्राम में आई कैन सी द अल्टरनेटिवली लाइट एंड डार्क स्टेशंस, मुझे लाइट और डार्क स्ट्रिप्स नजर आ रही हैं। इस तरह से, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिवली डार्क लाइट अल्टरनेटिवली डार्क एंड लाइट स्टेशंस आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्ट्राइप, या फिर दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, अभी अपन लिखेंगे बाद में, अभी तो सिर्फ आपको ये एज इट इज ड्रॉ करना। उसके बाद में आता है इनवॉलेंट्री मसल्स या फिर अनस्टेटेड मसल्स। इसका अगर अपन लोग स्ट्रक्चर ले तो स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? दे आर मोस्टली स्पिंडल शेप। इस तरह दे आर मोस्टली स्पिंडल शेप, जिनके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो अनस्टेटेड मसल्स का शेप कैसा है बेटा? स्पिंडल शेप, विच आर टेपरिंग टूवर्ड्स द एंड। ये वर्ड आपको याद रखना है, टेपरिंग। टेपरिंग का मतलब होता है बीच में से मोटा और धीरे 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 पतला हो जाना। याद होगा ये वर्ड मैंने एक बार जब कॉनिकल रूट में बताया था बेटा कैरेट का, कि कैरेट में ऊपर से ब्रॉडर स्टेम होता है एंड देन दे टेपरिंग टुवर्ड्स द एंड। ऐसे ही फ्यूजी फॉर्म में रेडिश का बताया था, बीच में से स्वोलन दोनों तरफ से टेपरिंग, तो दे आर टेपरिंग टाइप। तो इस तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है बेटा। कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर देखें, है ना, कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर देखें तो कार्डियक मसल्स के स्ट्रक्चर में कार्डियक मसल्स आर मच ब्रांच्ड। ब्रांच होती है बेटा, इस तरह से कई ब्रांचेस अराइज हो सकती है। तो दे आर मच ब्रांच्ड, और इन ब्रांचेस में दे हैव अल्टरनेटिवली स्ट्राइप लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होंगे बेटा। तो हम ये कह सकते हैं इस तरह से ब्रांच्ड होती है, और इसमें भी स्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं अल्टरनेटिवली लाइट एंड डार्क। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गई, दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री इन नेचर। ये भी कैसे होते हैं बेटा? इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी इनका कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन भी हमारी विल पे डिपेंड नहीं करता। आप सोचो अगर हमारी विल पे डिपेंड करता होता तो क्या होता? हम कहते अरे हमारा तो ये हार्ट नहीं बीट करना चाहिए, तो हार्ट बीट रुक जाती तो राम नाम सत हो जाता, है ना। तो वो चीज तो हो नहीं सकती। तो ये भी कैसी है बेटा? इनवॉलेंट्री इन नेचर। ब्रांच होती है, अब ब्रांच होती है तो सिंपली अपन को एक चीज देखना है कि अगर एक स्टिमुलस, मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगी कि जो मसल्स होती है, ये शब्द मुझे बहुत स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था, लेकिन फिर भी खैर कोई बात नहीं, हम आगे लिखेंगे जब मैं लिखवाऊंगी। तो कि जो मसल्स होती है दे शो सर्टेन फीचर्स, कुछ फीचर्स शो करते हैं। उसमें एक होती है बेटा
दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइलिटी. कॉन्ट्रैक्टाइलिटी का मतलब होता है दे आर हैविंग द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज नो नीड टू राइट, मैं डिक्टेट कर लूंगी. तो पहली चीज होती है कॉन्ट्रैक्टाइलिटी. सेकेंड, इट शोज एक्सटेंसिबिलिटी. एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि मसल्स लंबी हो जाती है और छोड़ वापस अपनी जगह पे आ जाती है. जैसे अगर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, या अगर मैं बॉडी बिल्डर नहीं, अगर मैं भी हूं, तो ये मेरा यहाँ पे जो मसल्स होती है ये कहलाती है बाइसेप्स, और ये वाली मसल्स कहलाती है ट्राइसेप्स. तो मैं जब ऐसे कर रही हूँ, ये डोले बना रही हूँ मस्त, है ना, डोले शोले, तो जब मैंने ये बनाया तो ये मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट हुई बेटा और ये मसल्स एक्सटेंड हो गई. ओके, ये ध्यान रखना. हम जब भी किसी चीज का मूवमेंट करते हैं तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दूसरी एक्सटेंड होती है. तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिबिलिटी. थर्ड फीचर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेबिलिटी. एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है इट गेट द स्टिमुलस. मसल्स को स्टिमुलस मिलता है बेटा. टेंथ क्लास में फिर वापस कहोगे मैम टेंथ क्लास पे आ गई, हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था. रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि सपोज ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, मेरा हाथ गलती से, मुझे नहीं पता कि ये हॉट है, मेरा हाथ गलती से इस पर टच हुआ, आई विल जस्ट मूव माई हैंड बैक, है ना, इमिडिएटली मूव करूंगी. ये क्या है कि मेरी मसल्स को इंफॉर्मेशन पहुंची है बेटा कि मूव योर हैंड. तो वो मसल्स को जो पहुंची है, मसल्स एक्साइटेड हुई है, यानी उसको स्टिमुलस मिला है न्यूरॉन्स के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेबिलिटी. तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ कि ये तो पूरा बंडल में है बेटा, बंडल में है. अगर इसको यहाँ पे स्टिमुलस मिला सपोज, तो वो स्टिमुलस पूरे बंडल में चला जाएगा. ये भी आपस में मिलके एक बंडल में रहती है, इसके पास भी वो स्टिमुलस आगे चला जाएगा. लेकिन यहाँ पे अगर सपोज स्टिमुलस मिला, तो ये स्टिमुलस इधर तो जाएगा, ये इसके पास, ये फिर इसके पास, इधर, ये सब जगह कैसे जाएगा? समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रही हूँ? कि अगर इसको यहाँ से स्टिमुलस मिली, तो वो स्टिमुलस सारी एक ही जगह से मिलनी है, तो वो स्टिमुलस सारी जगह जानी चाहिए. तो वो सारी जगह जाने के लिए इन मसल्स के अंदर स्पेशल डिस्क प्रेजेंट होती है, और उन डिस्क को कहा जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क. इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है विच मेक दिस कार्डियक मसल एज अ सिंगल यूनिट, यानी ब्रांच. हमें एक बार दोबारा बताना. हाँ बताती हूँ बेटा. कहने का मतलब है कि ये जो कार्डियक मसल्स हैं, सॉरी कार्डियक मसल्स हैं जो ब्रांच है, इस कार्डियक मसल को हम एक यूनिट की तरह कंसीडर करना है. तो एक यूनिट की तरह कंसीडर करना है, यानी कि एक ही कोई ऑर्डर दे और उसी ऑर्डर पे सबको एक साथ फॉलो करना है. तो उसके लिए इनके पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है. जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता दूं, हरियाणा में ये बहुत सारी चीजें कॉमन होती है. क्योंकि मैं इसलिए कॉमन बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी जब हरियाणा में आई थी बेटा 1990 में, तो मैं यहीं की हूँ, नेटिव प्लेस है मेरा. तो हम लोग जब यहाँ पे आए थे, तो हमने जो घर बनाया था उसी के साइड में हमारे चाचा जी ने घर बनाया था, और उसी के साइड में हमारे दूसरे चाचा जी ने घर बनाया था. तो हम तीनों का घर एक लाइन में था, बाहर से तीनों के अलग अलग गेट थे, लेकिन अंदर पीछे की तरफ एक रास्ता था जो हमारे घर से सीधा चाचा जी के घर में खुलता था और उनके घर से नेक्स्ट में खुलता था. यानी अगर मुझे अपने दूसरे नंबर के चाचा जी के पास जाना है, तो मुझे घर से बाहर गेट के बाहर निकल के वहां से नहीं जाना, मैं अंदर से ही चली जाऊं. तो यूजुअली क्या होता था, जब किसी भी बंदे को बुलाना है घर में, सब लोगों को बुलाना है, तो वो बीच वाले चाचा जी के घर के इधर घुस के और वहां से जोर से आवाज दे दो, भाई सब जने आ जाओ हमारे घर. या उनको बुलाना है तो वो भी कह देते थे,
फटाफट फटाफट आओ, मम्मी को बुलाना, भाभी जी जल्दी आओ, हमें बुलाना, बच्चों जल्दी आओ। तो हम लोग एक यूनिट की तरह थे, देखने से क्या थे बेटा, ब्रांच, देखने से तीन घर थे और अंदर से क्या थे, एक यूनिट। किसी के भी घर में कुछ अच्छा खाना